चैतन्य जी पैसे से टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और खुद तैयारी करते हैं कंपटीशन की। और ये शानदार तस्वीर उन्होंने भेजा है। हम बात कर रहे हैं आज पंगरा घाट पुल की, जो कंप्लीट हो गया है, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ गया है तो, और अनऑफिशियली आवागमन शुरू हो गया है। चलिए दिखाते हैं उस पुल की तस्वीर। आज आपको पता नहीं है कि आज मेरा मन कितना खुश। किसी चीज़ को जब किया जाता है, शुरू किया जाता है और जब वो अपने मंजिल तक पहुंचता है, अपने अंजाम तक पहुंचता है, तो मन स्वतः हर्षित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं सन्नी जी, ये रास्ता इतना आसान नहीं था जितना आसानी से अभी इस पार से उस पार जाया जा रहा है। फरवरी में मैं गया था इसका अपडेट देने के लिए। लास्ट अपडेट जब मैं गया था तो फरवरी में देने गया था, और उस समय इसके एक पाये का काम बचा हुआ था और बीच में ये जो पुल देख रहे हैं, ये छोटा वाला पुल जो देख रहे हैं, इसका काम चल रहा था। चार महीने में पुल कंप्लीट हो जाएगा, ये कल्पना से परे लगता है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी तरह सच है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में, पुल के दोनों साइड में पानी है। अभी तो पानी मानसून शुरू हुआ है तब ये हाल है, यहाँ पे पानी काफ़ी रहता है, उम्मीद से ज़्यादा। एक कलवट जो बना था वो बह गया था, टूट गया था, तो फिर ये पुलिया बनाया गया। आपको यकीन नहीं होगा कि जब भी मैं यहाँ अपडेट देने के लिए जाता था तो किन किन परेशानियों का सामना करके हम लोकेशन में पहुँचते थे। कभी इस पार, कभी उस पार, कभी आधे से ही वापस लौट आते थे, तो काफ़ी मुश्किल से। कभी हमको किनारे तक पहुँचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर बालू में ही गाड़ी को चलाना पड़ता था, रेत में ही, गीली मिट्टी में गाड़ी चलाना पड़ता था, तब हम जा कर के लोकेशन तक पहुँचते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी पेंट चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है, साइड डिवाइडर का फिनिशिंग वर्क चल रहा है, और काफ़ी समय लगा है इसे कंप्लीट होने में। इसे कंप्लीट हो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कई कारण होते हैं, देर, प्रोजेक्ट देर होने का कई कारण होते हैं। खैर, अब कंप्लीट हो गया है और ये मेरे लिए खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। SH 90 और SH 74 एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 70 घाट पुल की वजह से भी SH 74 और SH 90 जुड़ गया है, लेकिन ये भी 70 घाट पुल के थोड़ा सा पहले, मतलब 7-8 किलोमीटर पहले बंगड़ा घाट पुल है, जो जिस पे अभी बाइक चल रही है। गंडक नदी में उफान रहता है, अभी मानसून है तो गंडक नदी में उफान रहता है। हम पूरा डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल आपको बताएंगे और साथ ही जहाँ तक संभव हो आपको लेकर चलेंगे। हम लेकर नहीं चल रहे हैं, सन्नी जी लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो भेजा है, तो सारा क्रेडिट सन्नी जी को जाता है। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं गंडक नदी नीचे जहाँ पर पानी रहता है, वहाँ पर नीचे से मैंने आपको दिखाया था। तो देख रहे हैं कि पुल पे अभी फिनिशिंग वर्क चल रहा है, मटेरियल भी रखा हुआ है और कई काम अभी होने हैं। एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ गया है, ये सच है, और गंडक नदी भी उफान पर है। आप देख सकते हैं गंडक नदी में पानी काफ़ी आया हुआ है, लेकिन पानी आने के पहले ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ये खुशी की बात है। इसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय दे देते हैं इस प्रोजेक्ट का। इस पुल की कुल लंबाई 1.56 किलोमीटर है, इसमें कुल 35 स्पैन है जिसकी आपस में 43.04 मीटर दूरी है। इसके चौड़ाई 14.8 मीटर है, वहीं पाया के बेल की गहराई अप टू 54 मीटर है, और सब स्ट्रक्चर का प्रकार सर्कुलर शैफ्ट, पियर्स और रेक्टेंगुलर शैफ्ट है।
सुपर स्ट्रक्चर सिंपल सपोर्टेड है, इसमें गाइड बंद 2.225 किलोमीटर, वहीं पहुंच पथ 19 किलोमीटर है, जो मुजफ्फरपुर जिला में SH-74 और सारण जिला में SH-90 को जोड़ता है। इस पुल के बन जाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जिनका खास करके उन लोगों को जिनका खेत इस पार है और रहते उस पार हैं, उन्हें काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि खेती करने के लिए उन्हें नाव के सहारे आना पड़ता था और काफ़ी समय लगता था और रिस्क भी रहता था। अब उन्हें आसानी होगा, इक्विपमेंट लाने में उन्हें आसानी होगा, खेती का इक्विपमेंट, व्यापार बढ़ेगा और भी कई फायदे होंगे, बाढ़ का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही जो जिले गंडक नदी की वजह से एक दूसरे से कटे हुए थे वो आपस में जुड़ जाएंगे, कम्युनिकेशन आसान होगा। बिहार के लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब एक दूसरे से लगभग कनेक्ट हो जाएंगे। लगभग 508.98 करोड़ रुपये लागत आई है इसे बनाने में। स्पेसिंगलाइज का कॉन्ट्रैक्टर है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण कराया है, जो बिहार सरकार की इकाई है। ये देख सकते हैं, ये पुल पे हम हैं। उम्मीद है ये पुल जल्द ही चालू होगा, इसका उद्घाटन होगा। आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।